बना देबो कथा सरपंच में उठी के ले और सचिव अध्यक्ष बनी के ले बना देबो दाई वोट में जीतत की तहा कौन पूछत है तोला तुम हल्ला ई कहां है आशा का क्या खड़ा है क्या नाम है आपका मेरे नाम सुभा भाई सुभा नाम कौन से गांव में रहते हो सिहाच के ही हर मोर घर है गढ़फुलझेर का समस्या है तुम्हारे गांव के हमारी हर देखत है कागा चिखला में रंगथन जो तो देख हमर नाली रास्ता हमर देख घर ले निकल नहीं सकतन गाड़ी मोटर निकल नहीं सकतन कतका दिन समस्या बने हमर समस्या तो बहुत दिन हो गए ना दू ठो सरपंच चले गई न ई पारी गिटी छड़ कुढ़ोरी नहीं करा बनाबो के आ वो बगल ला बने नहीं है ई बगल ला नहीं बना के वहां दे वही करा ला जाओ घिचियो चलो पानी कौन में जही आप घर ला पानी हमारी तो जब पानी आते है तो मतलब कैसे हो जाते का स्थिति हो जाती है या भरे है अंगना ला भाग जाते पुनिया में द्वार के जोन पानी निकला था अंगना के तो खोल के पानी अंगना ला जाते तो ये रोड ला काबर नहीं बने सरपंच सचिव मन ओ मन कुढ़ोरी नहीं करा ले सब ला लेकिन है ओ दे ओ अंगला बने ने चलो देखियो चलो देखाबो आ घर ला पानी पिला थे आ वो करा ला डिपा कर दिस ओ दे ओ करा ला डॉक्टर सोमनाथ पांडे चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला संयोजक महासमुंद भारतीय जनता पार्टी और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर सोमनाथ पांडे गढ़फुलझर से सर हम लोग अभी गढ़फुलझर आए हुए थे यहाँ चुनावी माहौल को भी जानने के लिए कई लोगों से बात किए सरपंच के भी बताए ग्रामीण लोग बहुत सारे ग्रामीण सरपंच से और यहाँ के जी जनपद सदस्य हैं और उससे नाराज हैं सभी से उतने भी गए थे वहाँ के लोग बताए कि जो सीसी रोड बनना था उस जगह को दूसरे जगह बना दिया शिफ्ट किए हैं ऐसी उनका आरोप है इस संबंध में कुछ कहेंगे वो जो सीसी रोड बनाया वो तो हमारे जिला पंचायत मत का है और वहाँ पे वो 2.5 लाख दिए थे वो 3 लाख बन चुका है और आने वाले वर्षों में भी वहाँ पे हम रेती हुई थी गिटी हो गया 4 लाख फिर स्वीकृत हो चुका है जल्द ही वो फिर सीसी रोड बन जाएगा सर लेकिन सर वो उनका कहना है कि वार्ड क्रमांक 13-14 के लिए आए थे उनको जबरन मतलब दूसरे उसी वार्ड में ही बना है उसी उन्हीं की जो वार्ड में ही बना गया हम देखे उन जिस जगह पे बना है उसका कोई उपयोग ही नहीं है सर बाकी लोग तो मतलब नल का पानी जो रोड का पानी घर घुस रहा है आप खुद हमारे कार्यकाल में जब हम वहाँ पे हमारे कार्य में हम टंकी बिठाया गया था और सोखता गड्ढा के लिए हम 7-8 टिंग भी बगल में लगा दिया गया था कि पानी अंदर गली में ना बहे बोलकर क्या किस कारण से उस पानी को उधर नहीं दे रहे उसमें मेरे पास जानकारी नहीं है जी जी हम इसके भूतपूर्व हम सरपंच भी हैं और वहाँ पे हमारे ही द्वारा वहाँ पे टंकी बिठाया गया था कि उस मोहल्ले के लिए पानी की किल्लत ना हो बोलकर वहाँ पे कीचड़ ना हो बोल के स्वच्छता के नाम से मैंने हर हैंडपम्पों पे मैंने वहाँ पे शीट लगा दिया हुआ और रिंग बिछा दिया हुआ कि गली में पानी न बहे बोलकर और उसके बगल में लगाया गया है पता नहीं मोहल्ले वाले क्यों उसमें नहीं बहा रहे हैं तो सर एक बोर था जहाँ पे बड़ी खतरनाक स्थिति में लोग मोटर चालू करते नजर आ रहे थे उसके बाद तो जानकारी नहीं है मेरे को सर अभी चुनावी माहौल क्या है आपके तरफ गढ़फुलझर में मतलब इनको सपोर्ट कर रहे हैं गढ़फुलझर के लोग हम तो टोटल भारतीय जनता पार्टी वाले हैं हमारे गढ़फुलझर भारतीय जनता पार्टी का ही हमेशा लीड रहता है और इस बार हम बहुत मतों से जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा इस बार छत्तीसगढ़ में बन रहा है तो आप क्षेत्रीय भी हैं और इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी हैं तो आपने इस क्षेत्र में कितना विकास किया है कि दोबारा आपको जनता वोट दे जनता तो बिल्कुल चाह रहा है कि हमको अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो बिल्कुल ही हम यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे जिस तरह से हमारा दौरा है जिस तरह से गांव में आना जाना है जिस तरह से हमारे जिला पंचायत का फंड मिल रहा है हमने टोटल ही विकास कार्यों में लगाया है अभी तक तो विगत 4 सालों में आप अपनी क्या उपलब्धि बताएंगे क्षेत्र के लिए आपने क्या किया है मतलब गाँव के लिए या अपने जनपद क्षेत्र के लिए हमने जिला पंचायत जिस तरह से आज तक बाहर के आदमी बन रहे थे विधायक का हो या तो जिला पंचायत का हो यहाँ की जनता ने जिला पंचायत का आशीर्वाद दिया और हम जितने भी फंड आए हम जैसे सीसी रोड हो या पानी टैंकर हो या आहता हो या रंगमंच बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और आने वाले वर्षों में जनता चाह रहे कि इसके तरह से विधायक चुन के आएंगे और हम क्षेत्र का विकास करेंगे सर अभी ने आप स्थानीय लोगों की बात कही हमेशा मतलब बाहरी लोग ही यहाँ विधायक बनना चाहते हैं आपके गढ़फुलझर के लोग भी कई लोग बोले कि स्थानीय विधायक होना चाहिए इसके संबंध में आपके क्या कहना है मेरा एक ही आपसे कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी जब से 2 बार विधायक गढ़फुलझर क्षेत्र से बन के आए हैं डॉक्टर त्रिकम भोई जी और जिला पंचायत सदस्य थे हमारे भाभी श्रीमती कुमारी चौधरी जी उसके बाद विधायक भी चुने हैं तो गढ़फुलझर क्षेत्र से ही 2 विधायक दे चुके हैं आने वाले वर्ष में हैट्रिक होगा और इधर से ही हम विधायक चुन के देंगे क्योंकि जितने भी विधायक चुन के आ रहे हैं सरायपाली क्षेत्र से चुन के आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में बसना विधानसभा का कुछ काम नहीं हो रहा है तो हम चाहते हैं कि इस बार हमारे क्षेत्र से ही विधायक चुन के देंगे और हमारे बसना विधानसभा का फुलझर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे सर भी
कांग्रेस के कार्यकाल से लोग कितना खुश हैं, जैसे कि धान का रेट बढ़ गया, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, इससे के इस संबंध में आप कुछ कहेंगे? ये सरकार जो भूपेश सरकार है जी, 36 घोषणा पत्र करके आया था और पूरा छत्तीसगढ़ को ठगा है। अभी तो कोई उसके पास मुद्दा नहीं बचा है। महिलाओं के बोला था कि मैं शराबबंदी करूंगा, पूरा महिलाओं का वोट पाया। और पहली बार मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में 15 साल से सरकार नहीं था, इनको इतना तकलीफ था कि ये लोग गंगा जल की कसम खा के झूठ बोले हैं कि हमने आएगा सरकार। तो एक राष्ट्रीय पार्टी को गंगा जल की कसम खा के सरकार में आना पड़ रहा है, तो एक राष्ट्रीय पार्टी क्या स्थिति है आप जान लीजिए। 5 साल में जनता जान चुका है ये झूठा सरकार है, आने वाले भी 3-4 वर्ष माह में चुनाव होने वाला है और जनता इनको सबक सिखाएगा। किसी भी घोषणा पत्र ने अभी तक पूरा नहीं किए हैं। महिलाओं को बोले थे कि पेंशन देंगे, 1000 रुपये 1500 रुपये देंगे, शराबबंदी करेंगे, ऐसे हजारों मुद्दा है, कोई भी मुद्दा में काम ये नहीं किए हैं। लेकिन सर आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है, 2-4-6 माह में, लेकिन अभी तक भाजपा अपना घोषणा पत्र तक मतलब कुछ हमारा घोषणा पत्र इस बार अगर उनका 19 है तो हमारा 21 होगा। मतलब आप 3000 रुपये प्रति क्विंटल धान का किसानों को देंगे? धान का मुद्दा तो नहीं मैं बता सकता, जो भी राष्ट्रीय से आएगा घोषणा पत्र तो जनता मतदाता देखेंगे, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे में इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे। मेरा नाम अमलेश पांडे, मैं गढ़पुर का निवासी हूं और मेरा जो जिला है महासमुंद और थाना बसना है और तहसील मेरा वो भी बसना है। तो अभी जो है 4 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तो कितना कुछ विकास हुआ है आपके गाँव में? हमारे गाँव में तो विकास ठीक है, बाकी और जो कुछ होना चाहिए थोड़ा मोड़ा जो बचा है, थोड़ा सा काम अच्छा तरीका से नहीं हो रहा है। अगर होता तो बहुत अच्छा होता, हम भी चाह रहे हैं, गाँव की जनता भी चाह रहे हैं, यहाँ की जनता भी बोलते हैं कि वो काम होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ का विकास बोलते हुए भी काम का थोड़ा सा लूज कर रहे हैं। अगर अच्छा काम होता तो बहुत अच्छा था, हमको बहुत खुशी होता, वो हम चाह रहे हैं कि होना चाहिए बोल के। तो क्या वजह है कि वो काम नहीं हो पा रहा है? तो कैसे करेगा, यहाँ के जो मुखिया है थोड़ा सा ढील कर रहा है, और करते तो बहुत अच्छा होता। मतलब मुखिया बोलने से कौन आप गांव? हमारे जो गांव का जो हमें जो बड़ा हमारे जो मुखिया है बोलते हैं, जो हम पंच सरपंच और जो भी हमारा उप सरपंच भी है, आज वो लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो गांव के जनता कैसे साथ देंगे, ये बात है। लेकिन गढ़पुरजर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आए दिन जो है जनप्रतिनिधि आते रहते हैं, दौरा लगा रहता है, जैसे कि रूप कुमारी चौधरी आते रहती है, विधायक जी भी आते रहते हैं, संपत अग्रवाल भी आते रहते हैं, तो क्या उनको कभी इस गांव की समस्या दिखाई नहीं देती? क्या उसको वो कभी इस गांव की मांग उठाते हैं ऐसी समस्या को देख के? नहीं, मांग तो उठाते हैं, नहीं उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी काम होना चाहिए माने ध्यान देते हुए वो काम नहीं हो पा रहा है यहाँ। तो क्या लगता है आपको, केवल सरपंच ही इसके जिम्मेदार है या नहीं? सरपंच कोई जिम्मेदार नहीं है, बाकी जो नेता प्रतिनिधि भी आते हैं, काम होना चाहिए वो काम होना चाहिए बोलते हैं, और गाँव का अगर मुखिया साथ नहीं देगा तो कहाँ से हो पाएगा? तो गांव के मुखिया को तो सौंपा जाएगा ना। तो इसके लिए आप प्रदेश सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते? नहीं, नहीं मानते हम। तो प्रदेश सरकार से भी आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है? प्रदेश सरकार लाभ के सब क्या है, जो हमको दिया कर्जा माफ किया, और जो भी हमको जो प्रति क्विंटल के हिसाब से जो हमको बोनस दिया जा रहा है पूरा मिल रहा है हमको, कोई शिकायत नहीं है प्रदेश सरकार को। तो दोबारा क्या आप कांग्रेस की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार ही बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कितनी सीट आएगी छत्तीसगढ़ में? मतलब छत्तीसगढ़ में तो पूरा पूरा पूरी ही आना चाहिए। और बसना विधानसभा की अगर बात करें तो बोला जो मैं छत्तीसगढ़ का पूरा विधानसभा बोलने से पूरा विधानसभा ही आना चाहिए। अब तो जनता के ऊपर सब विश्वास है, वो मैं अकेला नहीं बोल सकता कि मैं कितना सीट आएगा बोल के, मैं अकेला बोल लूँगा तो सीट नहीं आ सकता। दिनों में विधानसभा चुनाव है तो आस पास से कौन कौन से जनप्रतिनिधि जो विधायक बनना चाहते हैं संपर्क कर रहे हैं? तो मैं विधायक में कैसे जान सकता हूँ जी कौन बनेगा बोल के? अभी तो पता नहीं चला, लेकिन कांग्रेस में कौन बनेगा, विधायक में मैंने बीजेपी में कौन बनेगा तो नहीं बोल सकता मैं, उस समय की बात है जी। और अगला जो अभी आएगा पंचवर्षीय में चुनाव जी, तो हम साथ देंगे कि एक बार फिर सरकार बने बोल के। मेरा नाम अमरदास है। आप कौन से गाँव से हैं? गढ़पुरघर। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से क्या है। मतलब कांग्रेस की चार साल कांग्रेस की अभी सरकार रही, तो इसमें क्या आप खुश नहीं है कांग्रेस की सरकार? नहीं, कांग्रेस सरकार की ऐसी क्या है जो कि छत्तीसगढ़ में जो अभी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जो था, किसी का घर अधूरा है, किसी का घर पूरा हो गया है।
बच्चे मानते हैं तो ये वजह है जिसके कारण आप चाहते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा वो तो आप बोलिए नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारा भारत में किसी को और नहीं मिलेगा, इसीलिए हम छत्तीसगढ़ में जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना चाहिए। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, कौन कौन लोग संपर्क कर रहे हैं? संपर्क कर रहे हैं इसमें आप कर रहे ये कर रहा है ये तुम्हारा संपत अग्रवाल डॉक्टर अग्रवाल और श्री राजा साहब तो कांग्रेस वाले हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बसरते इसमें हमारी बसना विधानसभा के आदमी को विधायक बनना चाहिए। मतलब बसना विधानसभा के आदमी बोलने से प्रत्याशी का नाम आप बता पाएंगे? प्रत्याशी के नाम क्या है अभी तो आ रहा है कि संपत अग्रवाल विधानसभा में खड़े होगा, अगर सीट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से वो निर्दलीय खड़े होगा। तो उसके तो फिर क्या आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे संपत अग्रवाल को? भाई हम तो डायरेक्ट बोलते हैं संपत अग्रवाल को हम वोट देंगे क्योंकि जिसका नमक खा रहा है उसको तो गुण गाएंगे। संपत अग्रवाल ने आपके क्षेत्र के लिए से क्या किया है जो आप उनको वोट देंगे? हर चीज किया है भाई, क्षेत्र में क्या क्या है हर आदमी को भी देखो बसना वाले खुद जो है ना इसीलिए बसना वाले क्या कर रहे हैं, बसना वाले जो है ना वहाँ देखो इतने आदमी को कपड़ा बांटा है कि हम अगर एक एक साड़ी हमको मिला है तो उसके लिए क्या करेंगे हम तो उसको विधायक लोग साड़ी नहीं देते हैं? नहीं नहीं वो अपने खा जाते हैं, वो जो अपना दलाल लोग खा जाते हैं। लेकिन जो अभी आपके गांव में जो समस्या है जैसे कि यहाँ पे सीसी रोड पानी भर जाता है, हाँ ये समस्या बनी हुई है तो इसको लेकर आप कोई मांग? हाँ ये सीसी रोड के बारे में छोड़ो, ये जो अभी जो रोड बना है ना ये एक नंबर बना है रोड। तो अभी स्थानीय विधायक होना चाहिए आप ऐसी कह रहे थे? मैं स्थानीय विधायक होना चाहिए, बसना विधानसभा के आदमी बसना में गढ़पुर में सरपंच बन गया तो गढ़पुर में सरपंच बन के केवटा पाली आदमी को सरपंच थोड़ी बनाएंगे जी, आप बोलिए ना गढ़पुर में पंचायत है तो केवटा पाली के आदमी को सरपंच बनाएंगे, बड़े ढाबा के आदमी को सरपंच थोड़ी बनाएंगे, गढ़पुर के आदमी को बनाएंगे क्योंकि नहीं काला चोर क्या ना हो गढ़पुर की सरपंच तो बन सकता है ना। वर्तमान विधायक के कार्यकाल से कितने खुश हैं? आदमी क्या खुश, कभी राजा आता है कभी नहीं आता, क्या मतलब निकल रहा है। वर्तमान सरपंच ने गाँव में कितना विकास किया है? सरपंच के बारे में छोड़ो, वो महिला सरपंच है जी। महिला सरपंच को कुछ बोल नहीं सकते आप जी, गलत बोल रहा हूँ। देखो मेरे को 63 साल का उम्र हो गया, ना सचिव कहाँ है ना सरपंच को बोलूँगा, सरपंच मेरा देखो 63-64 साल का उम्र हो गया, मेरा अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना है और किसी को 59 साल में वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसी को 58 साल में मिल रहा है, तो मैं सिर्फ 63 साल का वृद्धा पेंशन के लिए बोलते हैं तो कागज़ बना के लाते हैं तो दे देते हैं तो कहीं इधर उधर छुपा देते हैं, उसको क्या बोलना है। ग्राम पंचायत में जो योजनाएं संचालित हो रही हैं जैसे कि नल जल है, हाँ तो नल जल एक मिनट सुनो जी सर, नल जल जो है ना नल जल वो चपरासी कहाँ है कौन कहाँ है चालू करने है, ये इतना बड़ा लड़का जाता है, मैं जाता हूँ वो लड़का जाता है नल जल का, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हाँ भाई उसको पंचायत को देखना चाहिए ना, हम थोड़ी देखेंगे सर, हम तो जनता हैं, सुबह से 6 बजे से निकल काम से कितना खुश है भैया? सरपंच से काम से सब खुश हैं, वो अब महिला सरपंच है तो क्या करोगे, अब तो खुश तो होना पड़ेगा। मतलब आप में विकास काम का हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश चंद सामल है। कौन से गांव से हैं आप? मैं ग्राम सराई पतेरा ब्लॉक बसना। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए और बनेगी। क्यों, क्या किया है कांग्रेस की सरकार ने विगत 4 सालों में जिसे देख के जनता उनको फिर से दोबारा सरकार बनाएगी कांग्रेस की? कांग्रेस ने जो भी वादा किया था मेरे ख्याल से लगभग पूरा वादा निभाया है, जैसे धान खरीदी में किसानों को जो राहत दिया 2500 रुपया स्टार्टिंग में मैंने पर कुंटल उसको पूरा किया, अब तक दे रहा है दिया है और देने का पूरा चांस है। उसके बाद कर्ज माफ़ी किया, कर्ज माफ़ी पूरे जो भी कर्ज किसानों का था पूरा किया। उसके बाद बिजली बिल हाफ की बात की उसको भी पालन किया और बिजली में पर HP 100 रुपया के हिसाब से
लिया, वो भी उसका भी पालन किया, उसमें भी राहत दिया। तो इस ढंग से किसानों के, मैं जैसे किसान हूँ, मेरे लिए मेरे धान में जैसे कमाता हूँ छत्तीसगढ़ में, मेरे धान को सही अगर उचित मूल्य मिलता है तो मैं क्यों कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। क्या लगता है आपको, पिछली बार बीजेपी का क्या हार का क्या कारण रहा होगा? बीजेपी ने धोखेबाजी की किसानों के साथ। जैसे पाँच साल लगातार बोनस की वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया। पहले दो साल दिया, बीच में छोड़ दिया, जब हार रहा हूँ टाइप का उनको लगा, तब उन्होंने लास्ट में एक साल का दिया, बीच में दो साल का नहीं दिया। उसके बाद बिजली बिल के बारे में जो बोला था, बिजली बिल फ्री स्पष्ट रूप से किया था, उसमें धोखा ही नहीं दिया, उल्टा बिजली बिल ज़्यादा पटाना पड़ा किसानों को। और बहुत सारे वादे किए थे जो नहीं निभाया, जैसे हर किसान या आदिवासियों को गाय देने की बात की। हाँ, तो मैं तो कहीं नज़र नहीं आया मेरे को कहीं किसी को गाय दिया है। आने वाले समय में क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, जिसको देख के आप वोट करेंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को, जिसे भी, क्या मुद्दे रहेंगे? जो भी किसान को राहत देता है, किसान हमारे छत्तीसगढ़ में धान ज़्यादा उगाता है, धान का रेट जो अच्छा भी देगा उसको वोट देंगे। जैसे अभी कांग्रेस ने घोषणा किया है, सुनने में आ रहा है, 2800 रुपया पर कुंटल और प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी। तो जब बीजेपी ने तो पहले जो 20 कुंटल पहले खरीदी हो रहा था 10-15 साल पहले, बीजेपी रमन सिंह के आने के पहले, तो उसने पहले तो 10 कुंटल कर दिया, उसके बाद जब आवाज़ उठाए तब 15 कुंटल बोला और 14 कुंटल 80 किलो लिया। तो ये बहुत बड़ी धोखा भी था। कांग्रेस के कार्यकाल में ग्राम पंचायतों में कितना विकास हुआ? ग्राम पंचायत में, मेरे ग्राम पंचायत में मेरे को तो खास विकास नहीं दिख रहा है। अब ये अब पंचायत की गलती है, सरपंच लोगों की गलती है, राज्य की गलती है, मेरे को नहीं मालूम। अभी आने वाला दिन में विधानसभा चुनाव है, तो मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो विधायक बनने की इच्छा रखते हैं और जो संपर्क कर रहे हैं ग्रामीणों से? कांग्रेस से तो बस अभी बीच बीच में देवन बहादुर सिंह आते हैं जी, और लोगों को भी नाम आता है, लेकिन मेरे गांव तो नहीं आते जी। जी, जैसे कि और कोई कोई लोग आपके पार्टी की बात करते हैं, कार्यकाल से कितने खुश हैं? मैं तो कांग्रेस से खुश हूँ, विधायक से भी खुश हूँ, समझो जी। नाम परिचय बताएंगे? संजय कुमार सामवाल, ग्राम सरेपतरा से हूँ। क्या लगता है आपको, आने वाले समय में प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? मेरे हिसाब से तो जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी का आना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने विगत 4 सालों में कुछ काम नहीं किया, विकास का काम आपके गांव में, जिसको देखकर आप दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाए? पहले के हिसाब से बहुत कम काम हुआ है, पहले जैसे बीजेपी सरकार थी उससे बहुत कम हो रहा है काम। अच्छा, जैसे कि बीजेपी की सरकार में आपको क्या क्या लाभ मिलता था जो अभी नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस के शासन में? बीजेपी की सरकार में रोड वगैरह सब बढ़िया बन रहा था, और अभी रोड ही नहीं बन रहा है किसी तरफ, और पंचायत में भी काम नहीं हो रहा है उतना पहले जैसे हो रहा था। तो आपका कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ। तो कैसा प्रत्याशी आप चुनेंगे बसना विधानसभा क्षेत्र से, वर्तमान विधायक से आप खुश हैं कि नहीं? वो तो आते जाते उतना नहीं है हमारे यहाँ। जिसे आप नेता बनाना चाहते हैं, विधायक बनाना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में हो? संपत अग्रवाल जी हर कार्यक्रम में आ रहे हैं हमारे इधर घूमने, वही ठीक है हमारे लिए, संपत अग्रवाल जी। भाजपा से और कौन कौन संपर्क कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो विधायक बनने की इच्छा रख रहे हैं? अभी तो कोई नहीं किए हैं। आपके तरफ कोई संपर्क बने हैं ऐसे? तो दस या कौन वो
जी आपको भी पता है कि भाजपा से कोई संपर्क कर रहे हैं? भाजपा से हमारे सीतापुर से एक प्रत्याशी हैं जगदीश प्रधान जी, वो आ जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है अगर उनको बीजेपी से टिकट मिली तो चुनाव जीत जाएंगे वो? हाँ, संपत अग्रवाल को ही टिकट देना चाहिए बीजेपी से। संपत ज्यादा सक्रिय हैं और हर समय हर गांव से ताल्लुकात रख रहे हैं, हर प्रोग्राम में आते जाते हैं। पिछले चुनाव में यहाँ क्या स्थिति थी हमारे गांव का? पूरे कौन सी पार्टी लीड कर रही थी? लीड कर रहे थे हमारे यहाँ तो संपत भैया लीड किए थे। तो इस बार भी आपके गांव से संपत अग्रवाल लीड करेंगे ऐसा आप लोगों को? हाँ, 100%। जैसे कि आप तो अभी उप सरपंच है, तो कांग्रेस के शासनकाल में अभी गोठान में गोबर खरीदी भी चल रही है, तो क्या उससे लाभ मिल रहा है लोगों को? गोबर खरीदी हो रही है कि नहीं पंचायत में, कि उसकी स्थिति केवल कागजों पर है गोबर खरीदी? क्या है सच्चाई एक बार बताएं। ज्यादा नहीं हो रहा है, कागजों में समझ जाओ उतना नहीं हो रहा है। तो वाकई में आपके गांव में गोबर खरीदी नहीं हो रही है? हमारे गांव से तो नहीं जा रहे है जी, वो गधा मटा में खरीदी कर रहे तो कर रहे होंगे, वहीं पे गोठान है। गाय भी कम है, गोबर कम आवक है यहाँ। अच्छा जी। और गोठान की जो गोबर खरीदी की बात जो हो रही है वो तो 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो में सरकार खरीदी कर रही है, उसी गोबर को सुखा कर फिर उसी किसान को हाई रेट में बेच रहे हैं और अनिवार्य कर दिए उसको लेना। तो इससे मतलब फायदा भी तो हो रहा है शासन को फिर? हाँ, शासन को फायदा हो रहा है लेकिन बजट तो हमारा बढ़ रहा है, घाटा हो रहा है ना। 2 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेच रहे हैं और उसको मजबूरी कर रहे हैं। हाँ, किसानों को जरूरी लेना जरूरी। हाँ, क्या पैकेट 300 रुपया 1000 क्विंटल तो 30 या 90 10 100 तो हो गया समझो 30 1000 क्विंटल। हाँ, 1000 जो KCC में निकालते हैं ना पैसा, उसका 60% नकदी देते हैं, 40% खाद देते हैं, तो KCC में उधार चढ़ जाता है और जब धान बेचते हैं तो ऑटोमेटिक कट जाता है वहाँ कर्जा। अच्छा, पिछली विधानसभा में बीजेपी के हार का क्या कारण रहा है, क्या लगता है आपको? आप तो बीजेपी समर्थक लग रहे हैं तो क्या? कांग्रेस का छूट जो दिया ना, कर्जा छूट मुफ्त वाला, उसके कारण बीजेपी हारी और कांग्रेस लूटनी। तो इस बार भी कांग्रेस जो है बोनस बढ़ा के 2800 रुपए धान प्रति क्विंटल देने की बात कर रही है, तो क्या लगता है आपको ये मुद्दे जो है किसानों को भुनाने में काम आएंगे और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी? तो ये तो किसानों के हित में है, जब तक ये तो किसानों के हित में है, ये बीजेपी धान का रेट नहीं बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ऐसे क्या मुद्दों को लेकर जनताओं से वोट मांग रही है? क्या किसानों को कांग्रेस से ज्यादा मूल्य दे पाएगी धान का? अब पता नहीं, अब बीजेपी वाले दौरा नहीं किए हैं अभी तक, खाली अपना संपत अग्रवाल खाली आते जाते हैं जी। बसना विधानसभा की बात करें? हाँ, बसना विधानसभा। मेरा नाम अलीप सामर सराई पतेरा। तो पिछला सत्र में जो चुनाव हुआ था 100% वोट संपत अग्रवाल जी को मिला था, तो उसी हिसाब से संपर्क वगैरह भी हमारे इधर क्षेत्र में संपत अग्रवाल जी बहुत सक्रिय हैं, और अगर इसमें भी अगर चुनाव में खड़े होते हैं या सीट मिल जाता है उनको, तो हमारे यहाँ 100% वोट मिलेगा उनको। और कुछ कहना चाहेंगे? तुम्हारे जो हमारे बस्तर क्षेत्र के जो विधायक है वो यहाँ दौरा में आते कभी? नहीं आए। और संपत अग्रवाल भैया आते कि नहीं दौरा में? आते आते। तो भैया जो है आज जो प्रोग्राम जो चला था संपत भैया के, वो के बारे में कुछ जानकारी है तो मन ला? नहीं, वो दिन लाना कहा रही गांव में मीटिंग रही, तो संपत अग्रवाल ही रही घर घर में। हाँ। तो भाजपा और कांग्रेस के का है चर्चा है? वो जो प्रत्याशी हैं जो विधायक पर बनना चाहते हैं अभी ना, कोई ये देवन बहादुर पर तो अभी कोई मतलब ये नहीं कर रहा है, मतलब अभी गांव में देवन बहादुर को कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में विधानसभा में आप मतलब किस 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 सरकार को आप मतलब सपोर्ट करोगे? हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा, बीजेपी वाले हो, मतलब बीजेपी में जो भी उम्मीदवार है उसको वोट जाएगा? भैया अभी फिलहाल बीजेपी का तो मतलब राज्य सरकार में छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो केंद्र का ऐसे कौन कौन सा योजना है जिसमें बीजेपी वाले को वोट देंगे यहाँ के लोग? अभी के ये में ना ये क्या क्या बोलते हैं ये है ना आवास वाला, आवास वाला तो पूरा बंदिज कर जिसने है। जी जी का कांग्रेस सरकार है।
तो जो धान का जो रेट है 2800 रुपये कांग्रेस सरकार कर दिया है, तो उसको देख के आप दोबारा कांग्रेस की सरकार नहीं लाना चाहेंगे? देखो तो वैसे तो सब वैसे बोल रहे हैं, लेकिन इस साल ना अब कांग्रेस जो है ना आवास वाले को पूरा ये कर दिया, इस नाम से ना वोट से नाराज है। संपत अग्रवाल के बारे में आपका क्या कहना है? संपत अग्रवाल तो अच्छा आदमी है, सर शुरू से जानते हैं, अगले ये में भी हम सपोर्ट किए थे उनको, संपत अग्रवाल जी को। जी तो अगर मतलब बीजेपी से अगर संपत अग्रवाल को टिकट मिलती है तो आप उनके समर्थन में रहेंगे? रहेंगे जी, हमारा पूरा गांव उनके ये में अभी रहेगा, हमारे गांव में एक जन है वो पूरा पूरा सपोर्ट करके रखा। तो आखिर वर्तमान विधायक से ऐसी क्या नाराजगी है आप लोगों की? वो कभी यहाँ तो आता ही नहीं है ना, मतलब कुछ ऐसा मुद्दा है गांव का जो आप विधायक जी के पास लेकर गए हों और विधायक जी ने आपकी मांगों को पूरा न किया हो? वैसे तो गए नहीं हैं, लेकिन वो जाओगे तो आप दूसरे लोग बोलते हैं, वो तो अंदर से निकलता नहीं है ऐसे क्या। मतलब जो कांग्रेस की जो सरकार विधायक है क्या बोलते हैं देवेंद्र भादुर जी, वो घर से निकलते नहीं है ऐसे लोगों का कहना है? हाँ अच्छा, उनको काफ़ी कार्यक्रमों में देखते हैं, काफ़ी बसना में भी आते जाते हैं, और वो खुद भी बोलते हैं कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ पर कई बार ऐसा है कि लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं। मतलब आपने कभी प्रयास किया उनसे मिलने का? हाँ मैं तो क्या हूँ पर आपसे तो नहीं नहीं मैं मिला भी था। अच्छा। अभी यहाँ कीर्तन हो रहा था ना। अच्छा। तो गए थे तो बैठा था। अच्छा। सरपंच के साथ गया था। अच्छा। तो आपको कैसे लगे विधायक जी? वो भी बढ़िया।